तो तुम्हारा जैसे ठिकाना विकाना नहीं होता रोज? परेशान है। मेरे को बोला तेरे बच्चे तेरे पास नहीं रहते, और तो ऐसा कर वैसा कर, और मैंने बोला 3,000 रुपए दे तेरा पूरा कल्याण हो जाएगा। अब बस उसके बाद ठक ठुक के चला गया। ये सुअरों ने कर रखा है, जो जंगली सुअर होते हैं ना, वो आए थे रात को यहाँ पर, क्या हाल कर दिया खेत का पूरा। 90 और 100 के बीच में हमारी दादी है, और इनकी ऐसी हालत है, खुद बना के खाना पड़ रहा है, बेटा इन्हें पूछ नहीं रहा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुसाई फैमिली एंड ब्लॉग। सो आज है हमारा डे 3। मॉर्निंग हो चुकी है, हाथ मुँह धो लिया, फ्रेश हो गए हम, और जो भी घर में यहाँ पे कूड़ा कचरा था हमने सब कुछ साफ कर दिया है, और नाश्ता वगैरह हमारा बन चुका है। यहाँ पे फिर वैसी कल वाला मौसम हो गया है जैसे कल था, और एक बड़ी बात क्योंकि यहाँ पे मेरा जो चार्जर है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए ना ब्लॉग बनाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो कल रास्ते में आते समय मेरे हाथ में लग गई थी कंडली, और कंडली लगना ना यहाँ पे शुभ माना जाता है गढ़वाल में, कि अगर जिसके कंडली लग जाए, जैसे कोई बाहर से आ रहा है उसकी कंडली लग जाए तो कुछ बुरा नहीं होता उसके साथ। तो जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि एक दिन मैं आपको गांव का टूर भी दूंगा, तो आज चलते हैं और गांव की सैर करके आते हैं। तो आधा गांव हमारा इस तरफ है, आधा गांव इस तरफ है। ये भी घर है, ये सब उजड़ चुके हैं, क्योंकि हमारी तरह लोग दिल्ली में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो यहाँ पे देख रेख करने वाला कोई है नहीं। ना सम ले के ये है वो रास्ता जो बैंड से आता है, और यहाँ से रास्ता जा रहा है हमारे घर के लिए, और यहाँ पे लोगों ने खेती कर रखी है, वो प्याज बहुत उगा रखे हैं यहाँ पे लोगों ने यार। नमस्कार। ना ना, अब गांव घूम रहे हैं ना, अब घूम रहे हैं हम गांव, टाइम ही नहीं मिला निकलने का बारिश की वजह से। तो ये हमारे भाई हैं चंदा भाई, जो कि उप प्रधान है इस गांव के, ये उनका घर है। दिल्ली गेट है हमारा, दिल्ली गेट। और ये है पंचायत घर, हर गांव में पंचायत घर होता, तो हमारा पंचायत घर ये है। कितने रुपए दिहाड़ी है भाई, कितने रुपए दिहाड़ी है? दिहाड़ी ना घाट चमोर यार, पंचायत घर हो जरा। ये हमारे गांव का लौंडा, क्या नाम बताओ भाई, नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम सचिन रावत। सचिन रावत बड़े गांव का ऐसा लड़का है जिससे कोई भी काम करवा लो, कोई भी सब चीज रहती है उसके पास, जिसे बोलते हैं नाम अब्दुल है, मेरा सबकी खबर रखता हूँ। वही वाली बात है, हमारे गांव का अब्दुल है। हमारे गांव का अब्दुल है, कोई काम ऐसा नहीं जो ये नहीं कर सकता, और कोई भी जुगाड़ ऐसा नहीं जो नहीं कर सकता। सरान पुजाई उजाई का जो भी देवता उपता नचाने हो, कुछ सामान लाना हो, अगर कोई किसी का देवता अगर ना आ रहा हो तो ये उस पीछे का नाच भी देता है। अगर कोई कहे कि हमारा देवता आज एब्सेंट में है, तो ये कहता है कि चलो उसकी जगह मैं। तो ये हमारे घर का रास्ता, मी कल मुलाड़ू रे राम मिलोड़ू। मैं मैंने 50 आ के फड़ के ना लमुड़ सऊ पो मार मार से लमुड़ू साल बड़ा के 2-8 टा के खच खच भी नहीं करना सको केर मार करता। अब नहीं आ सके जे हमने जा सके। हमारे जो भी भाई हैं 4-5, उनका सारा वहां से लेके, और ये पूरा यहाँ तक हमारा ही था पहले, एक घर बना हुआ था। तो अब घर वर तो कुछ है नहीं हमारे यहाँ पे, पर यही है चौक, ये हमारा चौक हुआ करता था कभी, यहाँ खेलते थे हम। और ये हमारी ताई का घर। ताई नमस्ते। कहाँ से आए बाबा? कौन से मंदिर? हरियाणा। हरियाणा किस जगह? से आए दिल्ली से। हम भी हरियाणा के हैं, बताओ किस जगह? पानीपत। पानीपत जिला, पानीपत। वैसे सभी संसार है, चलते साधु बहते पानी का, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते। तो तुम्हारा जैसे ठिकाने विकाना नहीं होता रोज? नहीं नहीं, अभी जैसे यहाँ पे हो यात्रा जाए। तो रात को कैसे करते फिर? मंदिर में रुक जाते कहीं। अच्छा, कहीं मंदिर मिल गया वहाँ।
साधु बनने से कुछ फायदा होता है? यात्रा ही भ्रमण होता है साधु से। कुछ फायदा बताओ तो हमें पता चले हम भी साधु वाधु बनने फिर करें कुछ काम। हमारे पास भी नौकरी चाकरी नहीं है ना, इसलिए सब कार्य कोशिश से कामयाबी है। कुछ हमें भी वो तो बताएंगे ना क्या है कैसा है। चले फिर बाबा जी। हाँ चलो हम भी चले आ रहे हैं, चलो पहुँचो। तो ये इस तरह के बाबा जी जो है ना गाँव में आजकल चक्कर लगा रहे हैं हमारे गढ़वाल में। हमारे गढ़वाल के लोग वैसे शरीफ होते हैं, उनके पहले घर में जांचते हैं क्या है क्या नहीं है, उनको पता नहीं क्या क्या खिला देते हैं, कैसे कैसी बातें बोलते हैं, डर जाते हैं बेचारे और उसके घर से भी लूट लाट के चले जाते हैं। तो जो भी कोई वीडियो देख रहा है थोड़ा अलर्ट हो जाओ इस तरह के बाबा से, इनका कुछ काम नहीं है, कोई बाबा बाबा नहीं है, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर रखी इन्होंने। और ये हमारी ताई है, ताई को भी एक बार ऐसी साधु ने लूट लिया था। ताई क्या हुआ था बताना एक बार। मेरे को बोला तेरे बच्चे तेरे पास नहीं रहते और तो ऐसा कर वैसा कर, और मैंने बोला 3,000 रुपए दे तेरा पूरा कल्याण हो जाएगा 2 दिन में। और ऐसे ऐसे करके उसने मेरे को लूट लिया, 3,000 रुपए में ले गया। और मेरे को बोला कि क्या मैंने कोरा वस्त्र ला अंदर से, वो भी दिया मैंने अभ्यास, उसके बाद ठक ठुक के चला गया। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट है जो होते रहते हैं। अभी आपको मैंने दिखाया था एक एग्जाम्पल, 3,000 रुपए लूट के ले गया वो भी मतलब में। तो थोड़ा बच के रहो, अलर्ट रहो। ताई तो हमारी अलर्ट हो गई है। ताई अब तो मैं कभी नहीं अलर्ट होना, मैं अब कुछ नहीं दूंगी इनको, आप कुछ नहीं चाहिए, कोई भी आ जाए मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। चलो ठीक है ताई फिर। चलो ठीक है फिर, है ना। तो निकल चुके हैं अभी ताई के घर से और अब आगे बढ़ते हैं हम। और ये पंदेरा यहाँ पे पानी भरते थे हम, और अभी भी देखो पानी आ ही रहा है। अब तो खैर यहाँ पे घर घर में नले पहुँच गई है, पानी पहुंच चुका है घर घर में। और अभी हम हैं नीचे रास्ते, मतलब ये जंगल का रास्ता है और गांव जो है वहाँ ऊपर है, तो वहाँ पे बाद में जाएंगे। तो अभी आपको नीचे का रास्ता दिखाते हैं। खेती कर रखे हैं यार लोगों ने, ये भी खेती है यहाँ। प्याज व्याज उगा रखे, प्याज बहुत उगा रखे यार लोगों ने यहाँ पे। हाँ प्याज और ये गेहूँ। और ये हमारी ताई है, गांव की ताई। और ताई आपके घर ऊपर है ना इधर? हाँ ताई का घर ऊपर है। और हमारी नानी, अरे हमारी नानी जी है। और उधर चाची, चाची। उधर हमारी चाची जी है। चाची जी दिखाओ यार। यहाँ पे बैठ के अभी सब यहाँ धूप सेक रहे बढ़िया से। देखो ये सुअरों ने कर रखा है, जो जंगली सुअर होते ना वो आए थे रात को यहाँ पर, क्या हाल कर दिया खेत का पूरा, नाश कर दे रहे। ये यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, जानवर जो है फसल उगने नहीं देते, ये जंगली सुअर के काम है ये। चलो ठीक है फिर है। अरे घर देखो कितना सही घर बना हुआ है, ये बहुत लंबा चौड़ा है, मतलब 2-3 बारात रुक जाएगी, इतना बड़ा घर है। सामने से देखो क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। अब निकलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको यहाँ पे, ये एक दो घर और होंगे मुश्किल से, उसके बाद फिर जंगल लग जाता है। और ये है पुदीना, तो वीर भाई तोड़ रहे पुदीना ताकि हम थोड़ा चटनी वगैरह बना सके। और ये देखो ये नल, हर घर में ये नल आ चुके हैं, पानी इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स में आता है, कभी कभी इतने फोर्स में आता है कि पाइप उखड़ जाता है। नमस्ते। हाँ दीपू स्वामी, अभी पड़सी या कहीं इंद्री चाचा घर, इंद्री चाचा घर। तो सोच रहे हैं एक आध साल में ना बना रहे, बंद सोच रहे हैं बनाने की। और चाची नमस्कार, ठीक हो? किसने बंसी बजाई आधी रात को, बढ़िया सही टाइम पास है, गाना चलाओ और काम करो। बढ़िया बढ़िया। हमारे चाचा जी हैं गांव के चाचा जी,
कोई भी काम होता है, शादी ब्याह या जैसा भी काम हो, खाना बनाने का, हर तरह काम में परफेक्ट है। तो अभी चाचा जी बता रहे थे कि यहाँ पे जो है बाघ आता है डेली, जानवरों के चक्कर में आता है, और ये वाला जो एरिया है ना यहाँ पे बाघ घूमता रहता है रात में, और वो उनका घर है। और ये है हमारा गांव, जन्नत जन्नत ही जन्नत, इतना प्यारा रास्ता। और पहले ये हमारे इधर खेत हुआ करते थे, ये सब हमारे खेत थे, और हमको पता नहीं है यहाँ पे कौन से हमारे हैं, लेकिन सकिन खेत पूरा अपना है। हमारी मम्मी लोग भी आते थे यहाँ खेती करने के लिए, खेती करते थे किसी टाइम पहले, बहुत अच्छी हरियाली होती थी यहाँ पे, बट वही है प्लान की वजह से यहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा है। उस हिसाब से तो हम कागजों में करोड़पति है। जंगल का रास्ता भी, हम जंगल में ही जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं हम, जंगल में चले, जंगल जा रहे हैं, तो लोग आते हैं घास काटने के लिए। एक बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लोकेशन है ये, यहाँ पे फोटो सेशन आप कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे भी बैठने का, और ये पेड़ है पूरा बहुत बड़ा, और यहाँ से आगे पूरा जंगल जंगल है, और यहाँ पे मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है इस टाइम पे, कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही है। और ये सामने जो आपको व्यू दिख रहा है ये है ज्वालपा देवी, जहाँ पे हम कल गए थे, कल वाला ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो ये यहाँ से भी दिखता हमारे गाँव से। और ये सारा जंगल है, और कभी किसी टाइम पे यहाँ पे खेती हुआ करती थी और हरा भरा रहता था सब कुछ, बट आज ये पूरा जंगल हो गया है। तो अभी हम घर जा रहे हैं वापस, क्योंकि बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। बारिश कोई काम नहीं करने दे रही हमें, लेनी कर दी। तो वापस हम आ गए आधे रास्ते से ही, क्या करें, जिस चीज के लिए हम सोच रहे थे ब्लॉग शूटिंग करेंगे अच्छे से, पर वो हो नहीं पा रहा है। अरे 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 क्या हो गया, तो बहुत तेज भागती हुई आ रही है, वापस भगाना है इसको। आ जा 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 जा, भाग लो भाई, बारिश तेज हो गई, बारिश आ गई ना। यही है दोस्तों गांव का मौसम, उसी टाइम बारिश उसी टाइम धूप, पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। तो वापस से आ गए हैं ताई के घर लौट के दोबारा, क्योंकि बारिश हो गई थी, ऊपर जाते जाते तो और ज़्यादा भीग जाते, इसलिए थोड़ी देर यहीं रुकेंगे जब तक बारिश रुकती है, फिर वापस चलेंगे। तो अब जा रहे थे गाँव की ओर, और बॉडी मिल गई हमको, कुछ हम कुछ ना गुना है, हैं बचनु नॉन क्या मारी बचनु नॉन, हाँ यही हम बचनु नॉन छोमी, बचनु नॉन हैं बचनु नॉन छोमी, गुड़दोड़ा गुड़दोड़ा गुड़दोड़ा, यो कलमु नॉन चियो, इनको जा कलमु नॉन हूँ, कलमु बनी है कलमु नॉन, कलमु को दादी को सुनाई कम देता, कलमु नॉन हूँ कलमु, हाँ कलमु कमरे ही है ये ब्याली हो, कुछ है मैं बचनु को बचनुक बचनुक बीमार सब खूब जी छटा, हां सब कैमऊ नऊ जो कलमु कलमु पा बबे जा ना बे बा अन को जा जो गाय जा रामी तई नऊ हैं, रामी तई नऊ रामी 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 राम खड़े हो जाएगा, नहीं नहीं खड़े जो नॉन खड़े हुए ये रामी 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 को रामी को रामी रामी बचीचा, हाँ बचीचा, हाँ करे खूब जाए हमारे गाँव की दादी है, और ये रोड है, हम तो बहुत जाना बहुत जाना तो बहुत रो रही है, इसलिए हो रही है कि इनके बच्चे इनको पूछते नहीं है, खाना नहीं देते, खुद बनाती है खुद खाती है।
हाँ। 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 अब बहुत ना कुछ काम है गांव दिखो घूमने को ये हमारी दादी कम से कम 90-95 या 90 से 100 के बीच में 100 के बीच में है और इनके बेटे इन्हें नहीं पूछ रही खुद बना रही है खुद खा रही है खुद बना के खा रही है। अब देखो इनकी कैसी हालत ये दादी का दर्द झलक रहा है इस टाइम रोना आ रहा है आंसू आ रहे हैं हमारे ना ये ताला लगा रखा है बेटे ने घर में कि माँ ना आ जाए कहीं घर पे हमारे खाना बताओ यार बताओ 90 और 100 के बीच में हमारी दादी है ये और इनकी ऐसी हालत है खुद बना के खाना पड़ रहा है बेटा इन्हें पूछ नहीं रहा ना चलो चल दो फिर है तो ये गाँव की दादी थी जो अपना दुख हमें बता रही थी। तो अभी दिन में तो गांव का टूर हो नहीं पाया था पूरा क्योंकि बारिश हो गई थी बीच में और थोड़ा सो गए थे क्योंकि थकान हो गई थी हमें। अब बच चुके हैं 5:30 और अब करते हैं रात के खाने की तैयारी क्योंकि ऐसे आज का हमारा जो प्लान था डिनर का वो था चिकन बनाने का। चिकन लेने तो जा नहीं सकते क्योंकि बाजार दूर है यहाँ से और बारिश भी हो रही है तो इसलिए हम अंडा लेके आ गए थे तो आज अंडा बनाते हैं अंडा करी चावल और रोटी तो ये आज का हमारा डिनर का मेन्यू रहेगा। तो खाना वाना खा लिया हमने आज रात का हमारा तो डिपार्टमेंट पूरा हो गया बाकी अब बीरू भाई का डिपार्टमेंट है। बीरू भाई की जैसे कि ड्यूटी लगी है बर्तन धोने की और झाड़ू मारने की तो बीरू भाई बर्तन धो रहे भी बस लास्ट यही काम है उसके फिर हम सोने की तैयारी करेंगे। बीरू भाई कैसा लग रहा है बर्तन मांज के? कभी घर में मांजे बर्तन? कभी ना भाई यही लाइफ का एक्सपीरियंस है भाई ये तो मजा अच्छा है। और जैसे कि बब्बू भाई का डिपार्टमेंट है कि खाना बनाने का और साफ सफाई का किचन विचन का तो ये सब कर रहे हैं। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कैसा लगा आपको आज का हमारा व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर बाय।